Class, this is your physics class. Today our topic is representation of vectors. What is vectors? You learn in your previous lecture, vectors are those quantities which require magnitude as well as direction. Vectors require magnitude and direction. And the question is, how we represent a vector quantity? We represent a vector quantity by a bold letter. Suppose force is a vector quantity. Force is a vector quantity. Force. So we write the symbol of force F in bold. Acceleration is a vector quantity. So we write as acceleration in the bold letter. Next one, we represent the vector to draw an arrowhead on a vector. Or draw a simple line on a vector. These three forms show this is a vector. जब भी आपके पास कोई vector quantity होगी, अगर तो वो bold letters में लिखी है, उसके ऊपर arrowhead है और उसके ऊपर कोई line है, तब वो आपको देखते ही वहां से समझ आ जाएगी कि ये आपके पास एक vector quantity है. Open your book, page number 34. First topic is representation of vector. To differentiate a vector from a scalar quantity, we generally use bold letters to represent vector quantities such as force, acceleration, displacement, or a bar or an arrow over their symbol such as इस तरह से मैंने ऊपर लाइन ड्रॉ की है, एफ के ऊपर एरो लगाया और एफ के ऊपर जो लाइन ड्रॉ की. अगर तो ये थ्री सिचुएशन होंगी, इट्स मीन दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइव होता है कि हमने क्यों वेक्टर क्वांटिटीज को ही क्यों इस तरह से करके लिखा, क्योंकि हमें वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर होती है. इसलिए हमने क्या किया, वेक्टर्स को स्केलर से अलग करने के लिए, वेक्टर्स को स्केलर से डिफरेंशिएट करने के लिए हमने उनको बोल्ड करके उनके ऊपर एरो लगा के या फिर एक बार लाइन लगा के जो है उनको डिनोट किया. नेक्स्ट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का सेकेंड पैराग्राफ है, उसके ऊपर आप हेडिंग देंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. Graphically representation of vector. Graphically जो है हम इस तरह से ग्राफ अगर आपने बनाना हो उसमें आप वेक्टर्स को किस तरह से शो करवाएंगे, तो उसमें देखें ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड. लाइन सेगमेंट with an arrowhead. This is a A and B and this is a vector quantity. The line AB with arrowhead at B represent a vector V. The length of line AB give the magnitude of vector V on a selected scale, while the direction of line from A to B give the direction of a vector A. जब आप इस तरह से arrowhead लगाते हैं, यहाँ से लेकर ए पॉइंट जब वो स्टार्ट किया और यहाँ तक गया, ये जितनी इस एरो की लेंथ है, लेंथ ऑफ एरो है उसकी मैग्नीट्यूड, लेंथ है उसकी मैग्नीट्यूड और जिस साइड पे उसका हेड है ये बी वाले पॉइंट पर, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को. दोबारा से रिपीट कर रही हूँ,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हम कहते हैं वेक्टर्स आर दोस क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो वी डिफरेंशिएट द वेक्टर क्वांटिटीज फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी टू ड्रॉ अ एरोहेड, टू ड्रॉ अ लाइन ऑन अ क्वांटिटी एंड टू राइट इन अ बोल्ड फॉर्म. जहां कहीं पर भी आपको ये तीनों सिचुएशंस नजर आए, इसका मतलब है कि वहां पर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है. ग्राफिकली वेक्टर को किस तरह से डिनोट करते हैं कि अगर आपके पास एक ग्राफ आ जाए, आपने ग्राफ बनाना हो, उसको किस तरह से डिनोट करेंगे, उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट दिया गया है विद द एरो हेड. दिस वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर वी एंड लेंथ ऑफ दिस वेक्टर शो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड इट्स एरो हेड शो द डायरेक्शन, कि इसकी डायरेक्शन कहीं इस साइड पर जाते. ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. नेक्स्ट इज टर्म एसोसिएटेड विद मोशन, टर्म्स एसोसिएशन विद मोशन. फर्स्ट टर्म इज पोजीशन, फर्स्ट टर्म इज पोजीशन. The term position describes the location of a place or a point with respect to some reference point. हम किसी एक reference point से किसी भी चीज की position बताते हैं कि यहाँ से इतनी दूर है. Suppose हम बताते हैं कि हमारा जो घर है वो स्कूल से इतनी दूर है. Means हम घर से स्कूल तक का फासला बता रहे हैं, घर से स्कूल तक की position बता रहे हैं. तो हमने start कहाँ से लिया, अपने घर से लिया. तो हम उसको कहते हैं कि वो ओरिजिन है. ओरिजिन का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट. ओरिजिन कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आपने स्टार्ट किया. फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम. लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड होम बाय एच. द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन फ्रॉम एच टू एस. सपोज के यहाँ पर जो है वो आपका हाउस है और यहाँ आपका जो है वो स्कूल है. आपने डायरेक्शन बतानी है, यहाँ से स्टार्ट किया, ये एक एरो आपने ड्रॉ किया कि इस डायरेक्शन को जो है वो स्कूल है, इस डायरेक्शन को स्कूल है, ठीक है. और इतनी ये जितनी इस वेक्टर की लेंथ है ये आपको बता देगी कि इतना डिस्टेंस है उसका, इतने डिस्टेंस पे वो लाई करता है. नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. राइट अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इज राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट इज डिस्टेंस. फर्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस and the second is displacement. Length of a path between two points is called the distance between these two points. Suppose we have these two points, the length between these two points is called distance. Distance ko hum denote karte hain, denoted by s, unit of distance is meter and distance is scalar quantity. Length of a path between two points is called a distance. दो पॉइंट्स के दरमियान में जितनी भी उनकी लेंथ बनती है हम उनको कह देते हैं कि उसका डिस्टेंस है. हम डिस्टेंस को एस से, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं. डिस्टेंस में हम सिर्फ बताते हैं, लेंथ बताते हैं कि ये लाइन जो है वो कितने सेंटीमीटर या मीटर की है, इसलिए हमें उसमें डायरेक्शन रिक्वायर नहीं है. सो डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी. हियर इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स.
displacement is a shortest distance between two points, but it require magnitude and direction. Displacement is denoted by D. Unit is meter. We require magnitude and direction, so displacement is a vector quantity. Displacement भी basically आपके पास shortest distance है, लेकिन उसमें आप बताते हो उस shortest distance में भी आप बताते हो कि आपकी direction किस side पर है, आप किस side का move करते हो. अगर length suppose length की 2 meter है, ठीक है, वो अगर कोई body है वो move कर रही है और 2 meter का distance को cover कर रही है, which direction it covered the distance, किस direction में वो distance को cover कर रही है, तो उसके इसलिए displacement जो है वो आपके पास vector quantity है. Next one is speed and velocity. Speed and velocity. Speed and velocity is also a short question. Here we discuss the speed. The distance covered by an object in unit time. एक time के body जितना distance cover करती है, not a displacement. Here we use the term distance. In one time, unit means one. In one time, body cover a distance is called its speed. Distance covered by a body. Distance covered by a body in unit time is called speed. Unit of speed is speed is equal to distance over time. Speed is equal to distance over time, and the unit of speed is distance is measured in meter and time is measured in second. So unit of speed is meter per second. In this formula, with the help of this formula, we also find the distance. Distance is equal to speed multiplied by time. इसी फॉर्मूला से हम डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. डिस्टेंस इधर ही रह जाएगा, ये डिवाइड हो रहे हैं, इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. और स्पीड जो है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी. अब स्पीड वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पर टर्म यूज कर रहे हैं डिस्टेंस की, और डिस्टेंस हमारे पास होता है शॉर्ट डिस्टेंस है हमारे पास लेंथ ऑफ अ पार्ट बिटवीन टू पॉइंट, जिसमें हम सिर्फ देख रहे हैं कि अगर बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है तो कहाँ से कहाँ तक किया है, हम ये नहीं कह रहे किस डायरेक्शन में इसने कवर किया है. इसलिए हम कहते हैं कि जो स्पीड है हमारे पास वो एक स्केलर क्वांटिटी है. ये जितना भी आज आपने पढ़ा है ये सारा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है.